हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो जहां बात आती है अंडर गारमेंट्स की, फीमेल्स के लिए पैंटी और ब्रा और मेल्स के लिए उनके अंडरवेयर और उनकी बनियाइन, तो लड़कियां मतलब ये क्वेश्चन कभी नहीं करती हैं कि क्या वो मेल्स के जो बनियान हैं या फिर उनके जो अंडरवेयर हैं वो वेयर कर सकती हैं। बट जहां बॉयज की बात आती है ना, वहां आजकल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या जो बॉयज हैं वो फीमेल्स की जो पैंटी और ब्रा हैं उनको वेयर कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, और क्यों वो ये सब पहनना चाहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या बॉयज जो हैं वो फीमेल्स के लड़कियों के पैंटी और ब्रा वेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मुझे कुछ व्यूज मिलते रहे, साथ में मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। एक्चुअली होता क्या है, देखिए बॉयज का मतलब मोस्टली बॉयज का नहीं मन होता है, बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं भाई, उनकी इच्छा होती है कि वो भी लड़कियों के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो वेयर करें। बहुत से लड़कों का ब्रा पहनने का मन करता है, बहुत से लड़कों का लड़कियों की जो पैंटी हैं वो पहनने का मन करता है। अभी उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लड़के, आप प्लीज बिना सुने ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मत लिख दीजिएगा। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो होते तो बॉयज हैं बट वो अंदर से ना खुद को गर्ल की तरह फील करते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनकी जो सोल है ना, उनकी जो आत्मा है वो एक लड़की वाली है। उनको लड़कियों की तरह ही ड्रेसिंग करना पसंद होता है, उनको अच्छा लगता है कि वो लड़कियों की तरह ड्रेसअप करें, लड़कियों की तरह मेकअप करें। और जहां बात आती है लड़कियों के कपड़े पहनने की, वहां पर जो पैंटी और ब्रा है ना वो भी उनकी बहुत बड़ी मतलब च्वाइस बन जाते हैं। तो जो मोस्टली क्रॉस ड्रेसर होते हैं वो लड़कियों के जो पैंटी और ब्रा हैं वो पहनना चाहते हैं, बिकॉज वो अपने अंदर एक औरत को महसूस करते हैं। दूसरी बात, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से फीमेल्स का जो लुक है वो लेना पसंद नहीं करते हैं, बट उनको फीमेल्स के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, उनको वो बहुत ज़्यादा वेयर करना चाहते हैं। मतलब उनकी इच्छा होती है कि वो ऊपर से तो लड़कों की तरह ही कपड़े पहने, बट जहाँ अंडरगारमेंट्स की बात आती है तो उनकी इच्छा होती है कि हाँ भाई वो भी पैंटी और ब्रा पहने। अभी कुछ लड़के सिर्फ उनको टच करके देखना चाहते हैं, कुछ फीलिंग लेना चाहते हैं, मतलब देखिए सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं। अभी सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ब्रा के बारे में, क्या लड़के ब्रा पहन सकते हैं। तो देखिए जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं ना, अगर वो कभी कभी फीमेल ड्रेसिंग करते हैं, लड़कियों की तरह तैयार होते हैं, तो वो डाल सकते हैं ब्रा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत देर की बात है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप वेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक छोटी सी चीज आप देखिए ना, क्या फीमेल्स के बूब्स होते हैं उनके लिए वो ब्रा वेयर करती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि 8-10 साल की लड़कियां जो एकदम से प्लेन होती हैं वो थोड़ी ना ब्रा पहनती हैं। लड़कियां ब्रा क्यों पहनती हैं ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, अब वो वाला वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट बॉयज के थोड़ी ना बूब्स होते हैं तो वो क्यों पहनेंगे भाई ब्रा। अभी अगर आप ब्रा पहनते हो उसकी फिटिंग के लिए आपको कॉटन वगैरह लगानी होगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर लगाना होगा कि भाई आपकी जो ब्रा है वो फिट आ जाए, ठीक है। तो क्यों आपको इतनी परेशानी झेलनी है, अगर आप कॉटन लगाएंगे, कोई ऐसी बॉल्स वगैरह लगाएंगे, कोई ऐसा फ्रूट अगर आप यूज करेंगे उससे आपको इचिंग हो सकती है, उससे आपको स्वेटिंग हो सकती है, फिर आपको रैशेज हो सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आपको बिना मतलब के क्यों ऐसी चीज पहननी है जिसका कोई फायदा नहीं है। बाकी तो थोड़ी बहुत देर के लिए अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप डाल सकते हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि मैं 24 hours इसको पहन के रखूं तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी ब्रा का जो डिजाइन है ना वो फीमेल्स के लिए बना हुआ है, बॉयज के लिए नहीं बना हुआ है। तो बॉयज के लिए ब्रा नहीं है तो क्यों पहननी है। बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं देखिए जो
आप मान लीजिए किसी प्ले में काम करते हैं, किसी स्किट में काम करते हैं, तो उनकी ड्रेसेस जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, तो वो उस टाइम पर वो चीज़ पहनते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात आ जाती है पैंटी की, क्या लड़के लड़कियों की पैंटी पहन सकते हैं? सबसे पहली बात तो देखिए, लड़कों की इच्छा क्यों होती है पैंटी पहनने की? लड़कों को लगता है कि उनके जो अंडरवेयर्स होते हैं ना, वो एकदम से सिंपल होते हैं, उनको कोई डिज़ाइन नहीं होता है, उनमें वैरायटी नहीं होती है। और जो फीमेल्स की पैंटी होती है ना, वो सॉफ्ट होती हैं, डिज़ाइनर होती हैं, कोई सैटन के कपड़े में बनी होती है, उसके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, मतलब उनको छूकर ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्यों हम क्या इसको वेयर नहीं कर सकते। तो देखिए, फीमेल्स भी ज़्यादातर जो हैं वो कॉटन की ही पैंटीज़ पहनना पसंद करती हैं। जो कॉटन की पैंटी होती है ना, वो उनके लिए कम्फर्टेबल भी होती है और उनके लिए बनाई भी गई होती हैं। अभी फीमेल्स का जो वजाइनल एरिया है और मेल्स का जो प्राइवेट पार्ट एरिया है, वो भी तो बिल्कुल अलग अलग होता है ना। अभी फीमेल्स की जो वजाइना है वो अलग तरीके से है, अभी मेल्स का जो पेनिस होता है वहां पर वो है, तो फीमेल्स की पैंटी कैसे मेल के लिए सही रह सकती है? मेल्स के टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अभी टेस्टिकल्स को क्या होता है कि उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, और जो मेल के अंडरवेयर होते हैं ना, वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनके जो टेस्टिकल है ना, उनको सपोर्ट मिल सके। अभी आप अगर अपनी इच्छा को मानकर, मान लीजिए आप फीमेल्स की जो पैंटी है वो पहन लेते हैं, आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जब उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा वो ज़्यादा लटक जाएंगे, तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी आप मान के चलिए उनमें पानी भर गया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई, तो फिर आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। बट आपके जो अंडरवेयर है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपके टेस्टिकल्स को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। अभी आपको यूरिन पास करना है, समझ लीजिए, फीमेल्स की पैंटीज में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता ना कि आप खड़े खड़े ऐसे ही, मतलब मेल्स का क्या होता है भाई, अपने जिप खोली और सीधा खड़े खड़े उन्होंने जो है यूरिन पास कर लिया। बट फीमेल्स के तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। तो जब आपकी एक चीज डिजाइन की गई है, तो आपको अपोजिट जेंडर का क्यों सोचना है कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको, देखिए, ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जो इच्छा है वो गलत है, बट यहाँ पर बात आ जाती है सही की, क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या आपके लिए फायदेमंद नहीं है। फीमेल्स के आप सेटिन वाले, सिल्क वाले, एकदम से जो स्मूथ सिल्की जो अंडरवेयर्स होते हैं, मतलब पैंटीज होती हैं, वो अगर पहन लेते हैं, आप यूरिन पास करते हैं, उस पर हल्के फुल्के जो ड्रॉप्स हैं वो गिर जाते हैं, फिर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, तो आप मान लीजिए कि हाँ भाई सिल्क की है या सेटिन की है, उससे आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है, आपका जो पैनिस है बार बार उस पर टच करेगा, उस पर रैशेज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। बट लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ना, तो आप कुछ टाइम तक ऐसा पहन सकते हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा ऐसा करें, वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में बहुत सारा डिफरेंस है। उनके कपड़े उनकी बॉडी के हिसाब से ही डिज़ाइन किए होते हैं। तो अगर आपका शौक है, कुछ देर के लिए आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, मन की शांति मिलती है, आपकी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है, तो आप थोड़ी बहुत देर के लिए उसको ट्राई कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए मेरी तरफ से तो देखे ना है। बाकी तो अगर आपको मानना है तो आप मानिए, नहीं तो भाई आपकी बॉडी है, आपकी विशेज हैं, आपकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।